देख रहे हो, मतलब मैंने पाया नींबू लिया और हाफ के जी खीरा लिया, देख रहे हो आइसबर्ग 140 का सामान आया, इतनी महंगाई बढ़ गई। मंडी अच्छी होती है यार, मैं भी जाया करूंगी रेगुलर। देख रहे 80 रुपीज का तो आइसबर्ग ही है और यही मंडी में 50-40 रुपीज का मिल जाता होगा। वेलकम बैक टू माय चैनल, आर चैनल सिम्बा पॉपकॉर्न एंड डैडी। सुबह सुबह का दिन बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि घड़ी में बज रही है 2। किशु नहा धो के गुड गर्ल बन गई है और मेरे बालों की हालत से आपको दिख रहा होगा कि गर्मी कितनी है। ऐसे ट्यू 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 ऐसे खड़े हैं मेरे बाल। इट्स ओके, किशु सह लेगी। जैसे कि आप सब जानते हो गाड़ी चला रही हूँ, लाइटें हो गई है तो आपसे बात करना तो बनता है। एक्चुअली मेरा मी टाइम चल रहा है तो सोचा आपसे भी हेलो हाई कर दूं। ऐसे बस मेरे कार चलाते चलाते मेरे अरमान जाग जाते हैं। पता है गौरव आजकल बड़ा ही वो चल रहा है, पर्टिकुलर मैं ये खाऊंगा मैं वो नहीं खाऊंगा, उसका ये जोन चल रहा है कि मतलब ही इज लाइक 2 रोटी से मुझे खाना नहीं है, मुझे 7:30 के बाद कुछ खाना नहीं है। और मतलब इस चक्कर में उसकी तबीयत और खराब, वो इतना परफेक्ट है कि उसको लगता है कि हाय मेरी कुछ भी मुझे हुआ उसके रूट्स तक जाना ही इज ओके, बट फिर भी वो टेस्ट पे टेस्ट कराई जाता है। उसको समझा रही थी मैं, इनका बू लाइफ इज लाइक अ स्केच, तुम एक ड्राइंग बना रहे हो, अगर एक लाइन थोड़ी सी टेढ़ी भी होगी और तुझे लगता है इट्स ओके यू कैन मैनेज दैट देन इट्स ओके, जितना मर्जी उस ड्राइंग को परफेक्ट बना लो, इरेज करोगे फिर ड्रॉ करोगे, इरेज करोगे फिर ड्रॉ करोगे, वो इतने सारे पैचेस छोड़ देंगी, तो इससे बेटर है ना वो थोड़ी सी इम्परफेक्ट लाइन तुम्हारी स्केच को ब्यूटिफुल बना सकती है। वो मैं यही समझा रही थी तो सोचा आपको भी समझा दूं। इट्स ओके, लाइफ इज नॉट परफेक्ट, मटेरियलिस्टिक चीजें, इम्परफेक्ट चीजें, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, मैंने भी अपनी गलतियों से बहुत सीखे, मैंने YouTube अपनी गलतियों से सीखा है। ठीक है एक पड़ाव है, आगे आगे करके बीत जाएगा, नॉट एन बिग इश्यू। मैं जा रही हूँ अर्जू के पास अपने चुनमुनू लेने, कल नाइट स्टे पे अर्जू पास गई थी और चुनमुनू को वहीं छोड़ाई थी ताकि थोड़ा सा मैं सांस ले सकूं। तो चलो सीधा सिम्बा पॉपकॉर्न से मिलेंगे, अर्जू से भी, बेला से भी, ठुम्मा से भी, पिताजी की एग्जीबिशन, और एग्जीबिशन है इलांटे में, अभी भी चल रही है, सो प्लीज चेक इट आउट, बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन है, फॉर्मल्स कॉटन, जो भी लोकलाइट हो जरूर जाकर आओ इलांटे। बेसमेंट पे है मिनी सू के एकदम साथ वाला शोरूम लिए, सो जस्ट परफेक्ट। ये मम्मी का खाली हॉट केस और मैं मम्मा के लिए भी मशरूम मटर लेकर आई। तो ये देखो नया तरीका, नया क्या मतलब मैंने ऐसे कभी नहीं करा, ऐसे कुक सेमी कुक करके रख दिया फिर अब पकाओ। क्या बात है, बढ़िया सैलेड, दही और ये पुदीने की चटनी, और ये देखो जो डिटॉक्स वाटर पे जोर दे रहे हैं। हंस रहे हैं अर्जुन को, नया नया वो है जोन। हाय कितना क्यूट लग रहा है, मैंने देखा ही नहीं अर्जुन, ये आपका फ्लावर चोट भी हाँ अभी देखा है। अच्छा लग रहा, देख रहे हो टिक 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 टिक, और कितना ऑड पिंपल हुआ है, क्या मैं कॉलेज में हूँ?
देख रहे हो पूरे ऐसे हुए, इट्स ओके आजकल किशू बहुत सेरी है, आऊंगा फिर आऊंगा। स्टॉप ऑयली फूड किशू, अब तो सुधर जा। मैंने ये पनीर बनाया और सिंबू खिला रही हूँ, समझ इतनी है कि डॉग्स को इतना चिकन रोटी नहीं अच्छा लगता, तो आज सिम्बा का पनीर डे है। ये देखो ये मेरे ख्याल से कम ये एक पैकेट पनीर तो होगा, ये 4 पैकेट काउ मिल्क का पनीर है, उनको अच्छा लगता है खाना। मैं देती लाइट, आज मैंने सिम्बी की कर्ड भी दी है, कर्ड तो मतलब सिम्बी खाता रहता है। पप्पू नहीं खाता है, सिम्बा बड़ा है तो सिम्बा लाइक्स टू हैव, उसको अच्छा लगता है। पप्पू टहलता टहलता आ जाएगा तो वो खा लेगा एक दो बाइट, उसका इसी में गुजारा हो जाता है। मैं सो रहा था, सोते सोते उठ गया। ये मैंने सिम्बा को बचपन से आदत डाली है। अगर आप सोचोगे कि एक ही टाइम में डॉग को कर दो मतलब आपका डॉग बड़ा हो गया फिर करो, तो नहीं होगा ऐसे, धीरे धीरे टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। पप्पू पहले नहीं खाता था, वो देखता था, पहले मैंने उसको दिया नहीं, वो देखता था कि सिम्बा खा रहा है, शौक से खा रहा है, फिर बहुत एक छोटू सी बाइट मैंने पप्पू को दी, फिर वो भी शुरू हो गया खाना। पनीर, दही और घी, मैं ट्राई करती हूँ कि घर का ही बनाओ, अच्छा रहता है। घी तो इतना नहीं ज़्यादा बनता क्योंकि गौरव में खाते बहुत हैं, बट आई ट्राई कि घर का ही यूज़ करें।